Dear students, you are welcome in RK Institute and I am Dr. RK Saini. In previous class, we discussed some formula about mole concept. Today, I am also discuss about basic concept about mole. पहली क्लास में हमने जो मोल के बारे में दो फॉर्मूले जनरेट किए थे वो थे आपके पास में मोल कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड एक फॉर्मूला जनरेट किया था मोल इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ द स्पीसीज अपॉन देयर मोलर मास और एटॉमिक मास. टुडे आई जनरेट अनदर फॉर्मूला ऑफ मोल इन केस ऑफ आइडियल गैस. इन आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड कैलकुलेट पीवी डिवाइड बाय आरटी अनदर फॉर्मूला फॉर द मोल. मोल्स इक्वल्स टू इन केस ऑफ पीवी अपॉन आरटी वेयर पी प्रेशर ऑफ द गैस वेयर वी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर volume of the container because the volume of ideal gas taken negligible therefore their volume is nothing but it is the volume of container. R universal constant and T temperature in absolute scale Kelvin. Any gas the molar volume means volume of their one mole at STP or NTP. Standard temperature and pressure. Standard temperature pressure and normal temperature pressure. बस इसमें difference जो है केवल इतना है कि जब standard temperature pressure की बात करते हैं तो temperature तो दोनों में ही आपको temperature तो लेना होगा 273 Kelvin. And standard में pressure लेना होता है in case of standard प्रेशर टेकन इन वन बार एंड नॉर्मल इन केस ऑफ नॉर्मल द प्रेशर टेकन इन 1 atm. देयरफॉर माइनर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एनटीपी देयरफॉर द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस मोलर मींस वन मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी टेकन 22.4 लीटर और वी कैन से 22400 ml. Therefore, we generate another formula to calculate moles of ideal gas. For example, moles equals to volume of gas at STP or NTP divided by molar volume of the gas, 22.4 liter. लीटर ये वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन इन लीटर देन डिवाइड बाय 22.4 लीटर और इन ml देन डिवाइड बाय 22400 ml. क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस volume of CO2 gas at STP is 44.8 liter. Calculate number of molecules at STP. तो देखो सबसे पहले first of all volume दिया हुआ है CO2 का कितने पर STP पर. तो first of all we calculate their moles and the moles multiply by NA then find number of molecules. Similarly, mole calculate करेंगे अपन किससे volume given आपको volume में divide by this. तो volume हो गया आपके पास में 44. इसी formula से हम क्या calculate कर लेंगे इसके moles. Volume given है 44.8 liter और divide कर दिया 22.4 से it means 2 moles. आपके पास में कितने moles हैं CO2 के 2. इन्होंने question में क्या पूछा molecules. We know that any species contain any particles or any molecules in their one mole. Therefore, molecule is 2N answer. 2N. Another question. Question next.
तो हमारे पास एक मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया है, जनरेट कर दिया, उसको यहां भी लिख सकते हैं, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, द मोल क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन देखो एक और, द वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस, द वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस इज 11.2 लीटर एट एसटीपी, कैलकुलेट वेट ऑफ मीथेन इन दिस कंटेनर, कैलकुलेट वेट ऑफ मीथेन इन दिस कंटेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मोल, तो मोल हो जाएंगे 11.2 डिवाइड बाय 22.4 लीटर। When we find mole of the species, then calculate weight of species with the help of second formula. Therefore, molecular weight, we know that molecular weight, and as weight of methane is 11.2 divided by 22.4, इतने moles, और इसका molecular weight कितना होगा 16, तो answer आ गया आपके पास में 8 ग्राम। Okay, answer 8 ग्राम। Further, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मोल कैलकुलेट करने के ये दो तीन फॉर्मूले जिनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक चीज से दूसरी चीज भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, इसी तरह से अब एक चीज और बताता हूँ आपको, डेंसिटी ऑफ गैसेस स्पीसीज। डेंसिटी का जनरल मीनिंग होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट होती है मास की भी यूनिट, आप यदि एसआई में यूनिट लेना चाहते हो तो मास को लेंगे आप किलोग्राम में और वॉल्यूम को लेंगे मीटर क्यूब में, तो यूनिट हो जाएंगी किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अनदर यूनिट्स भी ले सकते हो मास को, जैसे आप ग्राम में लेना चाहते हो तो इस वॉल्यूम को ml में ले लोगे या सेंटीमीटर क्यूब में ले लोगे या 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं आप 1 ml, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, कई बार सीसी भी लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो डिनोटेड बाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और ऑल्सो इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो आप यूनिट ये भी लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल। इन केस ऑफ गैसियस स्पीसीज वी डिटरमाइन देयर डेंसिटी। द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, P equals to nRT divided by V, और we can say P equals to n क्या चीज़ है, moles, कैसे calculate करते हो, given weight of the species upon their molecular weight into RT, and as weight upon volume is known as density, therefore density equals to हो जाएगा PM upon RT। तो किसी gaseous species की density calculate करनी हो तो PM upon RT, ये आपके पास में formula हो गया density determine करने का। अब देखो दो तीन क्वेश्चन, तो डेंसिटी होगी दोस्तों पीएम अपॉन आरटी, देयर पी क्या चीज है प्रेशर ऑफ द गैस, एम क्या चीज है देयर मॉलिक्यूलर वेट, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट वैल्यू। कई बार डेंसिटी से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वन गैस इज लाइटर, विच वन इज हैवियर एट इक्वल टू पीएनटी, पीएनटी सेम हो, आइडेंटिकल कंडीशन हो, तो गैस की जो डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके मॉलिक्यूलर वेट के, बिकॉज आर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया छोटा सा, देखो विच गैस इज लाइटर अमंग दीज, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, सेकंड वन इज हीलियम, थर्ड वन इज O2 एंड फोर्थ वन इज CO2। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, CO2 विच वन इज लाइटर गैस एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ PNT, ये चार ऑप्शन। तो आपको एक बात पे ध्यान रखना है कि कोई भी आप बोलेंगे कि लाइटर हैवियर, तो आप केवल कंसीडर करेंगे डेंसिटी, लाइट और हैवी का डिसीजन लिया जाता है डेंसिटी को मेजर करके, डेंसिटी के बेस पर आप लाइटर और हैवी बोलते हैं। तो हमने पूछा विच गैस इज लाइटर एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ PNT, आइडेंटिकल कंडीशन पी और टी पर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मॉलिक्यूलर वेट के, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 4, इसका होता है आपके पास में 32 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 44। तो कोई पूछे विच वन इज लाइटर, तो आंसर क्या देंगे आप इसमें हीलियम, और विच वन इज हैवीएस्ट गैस अमंग दिस, तो आंसर देंगे CO2। तो डेंसिटी के बेस पर आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डेंसिटी का फॉर्मूला हमने जनरेट किया,
और देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक फॉर्मूला और बताते हैं, उसका नाम है आपके पास में वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जानते हो क्या होती है भाई? वेपर डेंसिटी याद करो, याद भी किया करो थोड़ा, जैसे टॉपिक लिखा जाए तो थोड़ा दिमाग में सोचना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन्स बाय वेपर डेंसिटी, कुछ याद आता है, फिर जो हम बताएंगे उससे आप कंपेयर करो उसको। तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है किसी गैस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सिमिलर पी एंड टी, यानी डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ पी एंड टी, प्रेशर और टेम्परेचर की सिमिलर कंडीशन को रखते हुए किसी गिवन गैस और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के रेशो को वेपर डेंसिटी कहते हैं। यूनिट कुछ भी ले, एंड एज इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इसमें कोई यूनिट नहीं है ध्यान रखो। और डेंसिटी आपने कैलकुलेट की थी पीएम अपॉन आरटी, देखो तो पी और टी तो कर दिया मैंने सेम, पी एंड टी इज सेम, आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, एंड एज डेंसिटी ऑफ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिकुलर वेट, एंड हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिकुलर वेट, देयरफॉर वी कैन राइट वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड वी नो दैट मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2, एंड हेंस देयर मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2, देयरफॉर मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना हूं तो फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट फाइंड करना होगा इसका तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का ध्यान रखने की बात क्या थी, वेपर डेंसिटी एक बार दोबारा बताएं, इट इज डेंसिटी ऑफ गिवन गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, उसके रेस्पेक्ट में बताना है, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, कभी भी यूनिट नहीं बोली जाएंगी, डेंसिटी की यूनिट थी लेकिन इसकी डेंसिटी वेपर डेंसिटी की यूनिट नहीं आएंगी। दो क्वेश्चन देखो छोटे छोटे, एक क्वेश्चन जैसे तो वेपर डेंसिटी का आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, मॉलिकुलर वेट यदि कभी कैलकुलेट करना हो तो हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। क्या थी वो मैंने आपको ट्राई कर दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन। तो सीधी सी बात है, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है यदि आपको तो मॉलिकुलर वेट को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। मॉलिकुलर वेट ऑफ मीथेन इज 16 डिवाइड बाई 2, एंड हेंस इट्स वेपर डेंसिटी इज 8, इट इज ऑल्सो नॉट एज यूनिट लेस क्वान्टिटी। सिमिलरली इफ क्वेश्चन दूसरा देखो, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ स्पीसीज इज 28, फाइंड आउट इट्स मॉलिकुलर वेट, तो करना कुछ नहीं है, वेपर डेंसिटी इंटू 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास में मॉलिकुलर वेट, ये हो जाएगा आंसर 56। ओके, ये थी आपके पास में वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट एक और बताता हूँ आपको, वेपर डेंसिटी जैसा ही एक रिलेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको भी समझो आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्पीसीज विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वापस इट इज ऑल्सो ए रेस्पेक्टिव क्वांटिटी एंड डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2O गैस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ एनी स्पीसीज, डेंसिटी ऑफ स्पीसीज कोई भी हो सकती है, गैस लिक्विड सॉलिड, गैसेस लिक्विड सॉलिड कोई भी हो सकती है, डेंसिटी ऑफ स्पीसीज अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बताइए, हाँ ये डेंसिटी किस में लेनी है आपको, ग्राम पर एमएल में, इट इज ऑल्सो ग्राम पर एमएल, देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो यूनिटलेस, द डेंसिटी ऑफ H2O एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1, एंड हेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी
ऑफ स्पीसीज, डेंसिटी ऑफ स्पीसीज किसके अंदर, इन ग्राम पर एमएल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी है स्पीसीज की, यूनिट लेस लिखी जाएगी, यूनिट लेस लिखी जाएगी, लेकिन आप अंडरस्टैंड समझेंगे इसको किस में समझ जाओगे, ये ग्राम पर एमएल में दिया हुआ है, ठीक। इसको कहते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ स्पीसीज, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए केमिकल स्पीसीज इफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.002, इफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.002। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन्स बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.002? इट मीन्स इसकी यूनिट अंडरस्टैंड ध्यान रखनी है, मैं यूनिट लिखूंगा नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये रेस्पेक्टिव टर्म थी और इसकी यूनिट एक्चुअल में क्या थी, ग्राम पर एमएल थी, जो मैंने रेस्पेक्टिव यूनिट लिखते वक्त हटा दिया उसको। तो आप समझते इसका मीनिंग ये था, ध्यान से देखो कि 1 ml ऑफ गैस, 1 ml ऑफ गैस एट 0.002 ग्राम वेट। इधर देखो, इट मीन्स 1 ml ऑफ गैस एट 0.002 ग्राम वेट, ये मतलब था इसका। देयरफॉर अपन बात करते हैं मोलर वेट की, मॉलिकुलर वेट की, तो मॉलिकुलर वेट का मतलब 1 mole आपको गैस लेनी होगी और 1 mole गैस का वॉल्यूम होता है 22400 ml एट एचटीपी और एनटीपी। देयरफॉर द मास ऑफ 22400 ml गैस एट एचटीपी इज 0.002 इनटू 22400, इतने ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4844, इतना आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 44 इतने ग्राम आंसर। ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास में, मॉलिकुलर वेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से आप मॉलिकुलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके पास फॉर्मूला था स्पेसिफिक ग्रेविटी का।